किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि आप मिर्ची की खेती करते हैं, मिर्ची के किसान हैं, तो देखिए मिर्ची के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है, वो है माइट्स की। देखिए माइट्स बहुत तेज़ी से अटैक करता है और बहुत बड़े पैमाने पर मिर्ची की फसल को बर्बाद करता है। तो हम बात करेंगे कि माइट्स से आप कैसे छुटकारा पाएँ। और देखिए, यदि माइट्स को आप समय से पहचान कर समय से उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वह वायरस में आ जाता है आपके प्लांट में, और फिर वायरस आने के बाद आपके पौधे में उसका कोई इलाज संभव नहीं है, फिर आपकी क्रॉप बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए उसे समय से पहचानना, समय से उसको ट्रीटमेंट देना, वो बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी जानेंगे, यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आप किस तरीके से माइट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर, तो डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए माइट्स, मिर्ची में जो माइट्स अटैक करता है वो होता है येलो माइट। येलो माइट का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है मिर्ची के अंदर। येलो माइट की एक विशेषता होती है कि ये जो पत्ती होती है, न्यू लीफ होती है, हमारे पौधे की नई पत्ती होती है, उस पर सबसे पहले अटैक करता है, जिसकी वजह से यानी कि उसका जो रस है, ये रस चूसता है पत्ती के नीचे बैठकर, उसका रस जो उसका चूसता है, जिसकी वजह से वो पत्ती नीचे की तरफ मुड़ने लगती है। तो ये होगा सबसे पहले आपको सिम्टम्स दिखेगा नई पत्ती पर, एकदम जो न्यू लीफ होगी टॉप की, उस पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले ये उसी को पसंद करता है जो सॉफ्ट लीफ होती है, एकदम उस पर अटैक करता है। उसके बाद देखिए जो पत्ती है वो आप देखेंगे कि बाद में धीरे धीरे और ज़्यादा मुड़नी शुरू हो जाती हैं, और फिर नीचे की पत्तियाँ भी कड़ली होने लगती हैं, नीचे की तरफ को मुड़ करके वो नाव, एक नाव की तरह शेप ले लेती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ कि हमारे पौधे में, मिर्ची में, और देखिए ये किसी भी स्टेज में अटैक कर सकता है, ऐसा नहीं है पौधा छोटा है, चाहे कितना भी बड़ा है, तो माइट्स किसी भी स्टेज में आपके पौधे पर अटैक कर सकता है। इसलिए आपको अपने पौधे को, यदि मिर्ची की खेती करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, क्रॉप पर विजिट करना है और देखना है, जैसे ही आपको पत्तियाँ मुड़ती दिखाई दे तो इमिडिएट आपको कंट्रोल इसका करना है, वरना बहुत तेज़ी से, देखिए बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, और बहुत तेज़ी से आपको एक दिन पहले दिन देखेंगे, एक आध प्लांट देखेगा, लेकिन बाद में बहुत तेज़ी से और भी प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी ये करता है। तो पत्तियां इस तरीके से मुड़ती हैं, और बाद में यदि आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये पत्तियां और ज़्यादा मुड़ती हुई चली जाती हैं, और फिर आपका पौधे में पीलापन आ जाता है, पौधे की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है, यानी कि उसमें फिर वायरस आ जाता है, और फिर उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है, फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप, हम जानते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, यानी कि माइट्स की समस्या को आप कैसे रोक सकते हैं। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसमें आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि आने से रोकने के लिए, हम यूज कर सकते हैं नीम ऑयल का। नीम ऑयल काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप एवरी 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे लेते रहेंगे तो ये प्रिवेंट हो जाएगा, फिर आएगा नहीं। लेकिन आने के बाद यदि नीम ऑयल आप यूज भी करेंगे तो उतना अच्छा कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए नीम ऑयल का यूज करना चाहते हैं तो आपको प्रिवेंटिव में ही यूज करना पड़ेगा, जिससे वो आपको देखने को ना मिले। और नीम ऑयल और भी बहुत सारे कीटों पर काम करता है। उसके साथ साथ प्रिवेंटिव करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, आप जो हमारा सल्फ़र आता है, जो हमारा सल्फ़र 80% आता है WDG फॉर्मुलेशन में, आप उसका भी स्प्रे ले सकते हैं। वो देखिए आने के बाद भी आप उसका स्प्रे ले सकते हैं। आने के बाद पूरी तरह तो कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसकी पॉपुलेशन को दबाने में हेल्प करेगा। यानी कि आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे दे रहे हैं तो, और बीच में आप कोशिश कर सकते हैं कि आप सल्फ़र का यूज कर लें, क्योंकि देखिए सल्फ़र हर एक इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के साथ कंपेटेबल नहीं होता, इसलिए साथ में हम यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप बीच बीच में सल्फ़र का यूज करके उसकी पॉपुलेशन को दबा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, आने से रोक सकते हैं। जो सल्फ़र होता है वो बहुत अच्छा माइटीसाइड का भी काम करता है, और फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज भी जो सल्फ़र है उसके अंदर होती है, तो इससे कुछ फंगस भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ केमिकल जो फर्टिलाइज़र है या केमिकल का एक्सेस यूज से आप, क्योंकि उससे पौधा स्ट्रेस में जाता है, फिर और ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक बैलेंस यूज आपको करना है केमिकल्स का। उसके साथ साथ देखिए आपकी जो क्रॉप है, आप कोशिश कर सकते हैं, जो आपने मेन क्रॉप लगाई है उसके खेत के चारों तरफ कम से कम 2 या 3 रौ आप मक्के की डाल दें। 2 से 3 रौ यदि मक्के की डाल देते हैं तो फिर माइट्स का अटैक आपको उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा आपके खेत के अंदर, मेन क्रॉप के अंदर। तो उससे भी हमें प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है माइट्स को, और माइट्स के साथ साथ और कीटों को भी प्रिवेंट करने में ये हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप कुछ हद तक जो माइट्स है उसको, जो मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई ये काफ़ी मदद करेंगी कि माइट्स को आपको प्रिवेंट कर दें, आने से रोक दें।
अब बात करते हैं कि यदि आ चुका है तो माइट्स आ चुका है तो अब फिर आपको केमिकल पे ही जाना पड़ेगा। तो कोई भी बाज़ार से एक अच्छा सा माइटीसाइड आप ले आएँ, देखिए एक नोमाइट के नाम से आता है जिसमें प्रोपरजाइड टेक्निकल होता है, सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी काम करता है मिर्ची के अंदर। आप उसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दें और ज़्यादा समस्या है तो 1 हफ्ते बाद स्प्रे को रिपीट कर दें तो जो माइट्स है आपका इफेक्टिवली ये कंट्रोल कर देता है। तो देखेंगे बाद में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, जो पत्तियाँ मुड़ चुकी हैं वो तो सीधी नहीं होंगी लेकिन प्लांट में नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी और न्यू पत्तियाँ हेल्दी आएंगी। और यदि ऐसा नहीं होता है 2 स्प्रे के बाद भी कि पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो नई पत्ती नहीं आ रही हैं या पौधे की जो कंडीशन है और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है तो समझ जाइए उसमें वायरस है। फिर आपको उस प्लांट को, पर्टिकुलर प्लांट को उखाल कर गड्ढा खोद के दबा दें, उसको फिर खेत में ना छोड़ें क्योंकि उससे जो वायरस है फिर धीरे धीरे और भी क्रॉप में फैलेगा, इससे समस्या बढ़ेगी। तो आपको ऐसा ज़रूर करना है यदि ऐसा 2 स्प्रे के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए माइट्स को कंट्रोल करने के लिए एक ओबेरॉन भी आता है बायर कंपनी का, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे माइटीसाइड आते हैं तो और भी जो माइटीसाइड है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नोमाइट काफ़ी सस्ता और इफ़ेक्टिव भी होता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो माइट्स है, पत्तियाँ नीचे को मुड़ रही हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।